हाल ही में इंडियन आइडल में अनु मलिक नजर आए। अनु मलिक पहले भी इंडियन आइडल से जुड़े हुए थे, लेकिन मीटू आया, कई आरोप लगाए गए और उसके बाद उनके हाथ से ये कुर्सी चली गई। लेकिन फिलहाल एक एपिसोड में हमने देखा कि अनु मलिक आए हैं और किस तरीके से उस चैनल ने उस एपिसोड को प्रमोट भी किया। अब सोना महापात्रा, वो भी मीटू के आरोप लगा चुकी हैं, उन्होंने आगे आकर एक बार फिर से चैनल की क्लास ली है। उनका ये कहना है कि कितने लीगल डॉक्यूमेंट उनके पास है जिससे ये साबित होता है कि महिलाओं ने कैलाश खेर और अनु मलिक पर जिस तरीके से उनके साथ मीटू हुआ था, उन सारी बातों को बताया था, उसके बावजूद आप अनु मलिक को कैसे बुला सकते हैं। तो सोना ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, इस समय जब सभी महामारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं और वहीं टीवी चैनल्स इस बीच सेक्सुअल शिकारी जिन पर कई महिलाओं ने आरोप लगाए हैं उन्हें बुलाया और अपनी कुर्सी पर बैठाया। मेरे पास कई लीगल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है और जिसमें उन सभी की लिस्ट है जिसमें कैलाश खेर और अनु मलिक पर जो आरोप लगाए गए थे और जो इन्होंने किया है और जो लीगल डॉक्यूमेंट्स इन महिलाओं ने राष्ट्रीय महिला आयोग को भेजे, उन सारे जो है लीगल डॉक्यूमेंट मेरे पास भी हैं। लेकिन इन आदमियों को भरोसा है कि इंडिया को हमारी कोई कदर नहीं। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने ये तंज कसा है कि महिलाएं कितने भी आरोप लगा ले, कुछ भी कर ले, तो भी कुछ होने वाला नहीं है। इन मर्दों को फिर से वो कुर्सी दी जाती है। और अब आप मुझे बताइए कि इंडियन आइडल पर जब अनु मलिक ने वापसी की तो आपको क्या लगता है कि क्या वो सही था या फिर गलत था? आप क्या इस बारे में सोचते हैं? कमेंट जरूर कीजिएगा।